Hey guys, welcome back to my channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है फैशन टिप्स एंड कुकिंग चैनल पे. तो मैं आज आपके साथ कुछ डार्क सर्कल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी. पहले तो आप 8 घंटे की पूरी नींद लीजिए अच्छे से. उसके बाद तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. एंड उसके बाद आप क्या करिएगा, सोने से पहले ये दूध, कच्चा दूध लीजिएगा, रॉ मिल्क, कच्चा दूध इसको रखिएगा, इसको थोड़ा सा डाल लीजिएगा, ठीक है. एंड आप फिर इसको कॉटन की यूज से, देखिए मैं गाइस कॉटन इतना सारा लाई हूँ, तो फिर ये कॉटन लीजिएगा, ये कॉटन इसमें डिप कर दीजिएगा. एंड अच्छे से इसको अपने आँखों के चारों तरफ से अच्छे से इसको मसाज कर लीजिएगा इस रॉ मिल्क के साथ, बहुत अच्छे से मसाज करिएगा गाइस. उसके बाद फेस वॉश कर लीजिएगा, मुंह धुल लीजिएगा. उसके बाद मैं ये एक रेमेडी बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको इस तरीके से आप करिएगा तो काफ़ी सही रहेगा. आप ये ले लीजिएगा एलोवेरा जेल, चाहे तो आप पेड़ करेंगे तो वो काफ़ी बेटर रहेगा, पर अब मेरे पास अभी पेड़ वाला है नहीं, तो मैं ये पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ. तो इसको आप डाल लेंगे काफ़ी एलोवेरा. एंड ये देखिए गाइस, ये है विटामिन ई की गोली, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में काफ़ी आराम से मिल जाएगी. एंड इसको आप कट कर लीजिएगा अच्छे से, एंड इसको इसमें आप डाल दीजिएगा. मैं 2 डाल रही हूँ गाइस, बिकॉज मैं ये कम से कम 1 हफ्ते का बना रही हूँ. ये मेरा 1 हफ्ते तक ये क्रीम काफ़ी अंडर आई क्रीम स्टोर हो जाएगी, ये भी मैं डाल दूँगी. मैंने 2 डाला है विटामिन ई की गोली. एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा. अभी देखिए गाइस, ये बिल्कुल क्रीम की तरह होने वाली है, देखिए. ये काफी क्रीमी में हो गए, क्रीमी में हो गया एकदम, ऐसे क्रीम की तरह हो गई है एकदम. और इसको आप पहले रॉ मिल्क से कर लीजिएगा, फेस वॉश कर लीजिएगा, फिर इसको लगा के आंखों के चारों तरफ अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, काफी अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, राउंड राउंड अच्छे से मसाज कर लीजिएगा. इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रहेगी. इन रात में फिर इसको आप लगा के सो जाइएगा. गाइस ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, मैंने इसे खुद अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ किया है. बट मैंने गाइस 8 घंटे की नींद पहले ली है, उसके बाद मैंने ये ट्राई किया है और ये काफ़ी वर्क किया है मेरे पे. तो गाइस प्लीज़ आप इसको यूज़ करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब.